स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक हुआ है रेडिएशन मेथड, ये फूड प्रिजर्वेशन का ही एक मेथड है। रेडिएशन मेथड जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं विकिरण विधि, यानी कि रेडिएशन से नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि कोई विकिरण इसमें यूज की जाती है, रेज जो कहते हैं हम। तो इसमें जो रेज है, कौन सी थ्री रेज होती है, जैसे अल्फा बीटा गामा, ये तीन होती है। तो इसमें हम अल्फा बीटा यूज नहीं करते हैं, इस मेथड में, रेडिएशन मेथड में गामा रेज यूज की जाती है। और या बहुत हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स की का प्रयोग किया जाता है। तो दो रेडिएशन में प्रयोग की जाती है, गामा रेज और हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें जो है, जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे दालें हैं, अनाज है, डब्बाबंद भोज्य पदार्थ हैं, जितने भी पदार्थ होते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, और ये सभी, इन सभी को रेडिएशन मेथड से परिरक्षित किया जाता है। और इसमें क्या है कि जो दो है, टेपवॉर्म एंड ट्राइकेनिला, इनका स्पेशली इनको रोकथाम ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्या है, मीट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, मीट को सड़ाने का काम करते हैं, और बाकी भी जो सूक्ष्म जीवाणु है उनकी रोकथाम इससे की जाती है। ये जो है गामा रेज या हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, ये उसपे भोज्य पदार्थों पर डाले जाते हैं, जिससे कि भोज्य पदार्थ परिरक्षित होते हैं। और इसके बहुत बड़ा फायदा ये है, बेनिफिट्स ये है, कम से कम पोषक तत्वों का नाश होता है, यानी कि। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें बहुत जो भोज्य पदार्थ हैं, एक तो जल्दी होते हैं, समय कम लगता है, यानी कि परिरक्षण जो दूसरे मेथड में समय ज्यादा लगता है, लेकिन इसमें परिरक्षण में समय कम होता है। और पोषक तत्वों का दूसरे मेथड्स में कुछ ना कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं, लेकिन इस वाले मेथड में पोषक तत्वों का बहुत कम से कम नाश होता है, वो खत्म नहीं होते हैं भोज्य पदार्थों में से। जैसा केमिकल मुक्त है, कि जो भी हम जैसे परिरक्षण के लिए केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, तो या दूसरे प्रयोग का, दूसरे जो प्रिजर्वेटिव्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी टॉक्सिन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ पर होता है। लेकिन इन रेस से क्या है, केमिकल मुक्त बिल्कुल होता है, तो इसलिए ये मेथड बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमन हेल्थ के लिए। और अभी लेकिन इस मेथड में क्या है कि बहुत ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि घर में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, बड़े लेवल कमर्शियल लेवल पर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो दूसरे जो मेथड है उनसे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि ये मेरे हेल्थ के लिए बिल्कुल सेफ है। बट अभी इस पर और अनुसंधान हो रहे हैं और रिसर्च इस मेथड पे की जा रही है कि इसको किस प्रकार से घर में भी प्रयोग किया जाए, बहुत सारे हैं, किन किन भोज्य पदार्थों पे और ये प्रयोग किया जा सकता है, तो सभी इसमें भी अनुसंधान किया जा रहा है। ये वाला मेथड ऐसा है जिसपे अभी भी रिसर्च चल रही है कि क्या और बेनिफिट्स होते हैं इसके, और किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है और इजिली तरीके से। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, रेडिएशन मेथड। यही खत्म करते हैं इसको।